हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं टावर ऑफ हैनोई। टावर ऑफ हैनोई एक मैथमेटिकल पजल है, तो ये पजल कैसे वर्क करती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्लेट्स हैं और ये तीन प्लेट्स को हमें वन नंबर से लेके थर्ड नंबर में ट्रांसफर करना है, यानी कि ये हमारा इनिशियल स्टेज है और ये हमारा गोल है। लेकिन हमें प्लेट्स को ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, और ये रूल्स है कि एट ए टाइम हम यहां से एक ही प्लेट को उठा सकते हैं और छोटी साइज की प्लेट के ऊपर बड़ी साइज की प्लेट नहीं रख सकते। यानी अगर कोई ये छोटी साइज की प्लेट के ऊपर बड़ी साइज की प्लेट रखे तो ये रूल्स के अगेंस्ट है। थोड़ा से उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स है और वो दो प्लेट्स हमें सोर्स से लेके डेस्टिनेशन में रखने हैं और उसके बीच में हम कुछ इंटरमीडिएट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट नंबर वन को उठा के इंटरमीडिएट में रख देते हैं, उसके बाद प्लेट नंबर टू को उठा के डेस्टिनेशन में रख देते हैं, एंड उसके बाद प्लेट नंबर वन को फिर से उठा के डेस्टिनेशन में रख देते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक प्लेट को उठा के सोर्स से इंटरमीडिएट में रखा यूजिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पे हमने एक प्लेट को सीधा ही सोर्स से डेस्टिनेशन में रखा और यहाँ पे हमने सेम चीज यानी कि एक प्लेट को उठा के इंटरमीडिएट से डेस्टिनेशन में रखा और उसमें हमने सोर्स का यूज किया। नाउ लेट अस से यही चीज हम तीन प्लेट्स के लिए अप्लाई करें। तो हमने सबसे पहली दो प्लेट को उठा के इंटरमीडिएट में रखा, यानी कि हम सिंपली यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि मूव टू प्लेट्स फ्रॉम सोर्स टू इंटरमीडिएट यूजिंग डेस्टिनेशन। अभी रूल्स के अंदर हमने ये देखा था कि एट ए टाइम हम एक ही प्लेट को उठा सकते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दो प्लेट्स उठाने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार लिखा है। उसके बाद हम सीधा सोर्स के अंदर से प्लेट को उठाएंगे और डेस्टिनेशन के अंदर रख देंगे, एंड उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि फिर से हम वो दो प्लेट को उठा के इंटरमीडिएट से डेस्टिनेशन में रखेंगे और उस टाइम हम सोर्स का यूज करेंगे। और यहाँ पे भी हमें एट ए टाइम एक ही प्लेट उठानी है, तो इसीलिए हमें मल्टीपल स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने स्टार लिखा है। यानी कि हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर यही चीज हमें एन प्लेट्स के लिए करनी हो तो यही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। और ये प्रोसीजर में हमें क्या करना है, तो हमने आगे देखा था कि दो प्लेट हो तो हमें एक प्लेट को उठा के सोर्स से इंटरमीडिएट में रखना है यूजिंग डेस्टिनेशन, और तीन प्लेट हो तो हमें दो प्लेट को सोर्स से इंटरमीडिएट में रखना है यूजिंग डेस्टिनेशन। यानी कि अगर ऐसा n प्लेट के लिए हमें करना हो तो हमें n माइनस वन प्लेट को सोर्स से लेके इंटरमीडिएट के अंदर डालना है यूजिंग डेस्टिनेशन। उसके बाद सेकेंड नंबर का स्टेप जो हमारा है वो और कुछ नहीं है, जिसके अंदर हमने प्लेट को सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्लेट को सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन में सिंपली रख देते हैं, यानी कि हमारा सेकेंड नंबर का स्टेप भी यहाँ पे खत्म हो गया। और थर्ड नंबर के स्टेप को हम ध्यान से देखें तो दो प्लेट के अंदर हम एक प्लेट को इंटरमीडिएट से उठा के डेस्टिनेशन में रखते हैं यूजिंग सोर्स, और तीन प्लेट के अंदर हम दो प्लेट को उठा के इंटरमीडिएट के अंदर से डेस्टिनेशन में रखते हैं यूजिंग सोर्स। यानी अगर हमें n प्लेट के लिए यही चीज अप्लाई करनी हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि n माइनस वन प्लेट को हम इंटरमीडिएट से उठा के डेस्टिनेशन के अंदर रखते हैं यूजिंग सोर्स।
और ये टास्क हम रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे, यानी कि जब तक हम सारी प्लेट्स को उठा नहीं लेंगे तब तक ये टास्क हमें परफॉर्म करना है, यानी जब तक n की वैल्यू एक या एक से ज्यादा है तब तक ये टास्क हम परफॉर्म करते जाएंगे, और जब भी n की वैल्यू जीरो हो जाती है तब हम स्टॉप हो जाएंगे। तो लड़स से उसका एक रिकर्सिव कोड देखे तो हमें n प्लेट्स को सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन में रखना है और बीच में इंटरमीडिएट का यूज करना है। यही चीज हमने यहां पे लिखी है कि जब तक n की वैल्यू जीरो है तब तक हमारा कोड रिकर्सिवली अप्लाई करते हैं, और हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर देखा था कि हमें n माइनस वन प्लेट को उठा के सोर्स से इंटरमीडिएट में रखना है डेस्टिनेशन का यूज करके, यानी कि इस केस में हमारा सोर्स सोर्स ही रहेगा, हमारा डेस्टिनेशन इंटरमीडिएट बन जाएगा और हमारा इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन बन जाएगा। यानी हमने यहाँ पे n माइनस वन प्लेट को सोर्स में से इंटरमीडिएट के अंदर पास किया यूजिंग डेस्टिनेशन। उसके बाद सेकेंड नंबर के स्टेप के अंदर हमने देखा था कि हम सोर्स से अंदर से सीधा डेस्टिनेशन के अंदर प्लेट को पास करते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखा है जिसके अंदर हमने लिखा है कि सोर्स और डेस्टिनेशन की जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, और लास्ट में हम n माइनस वन प्लेट को इंटरमीडिएट से उठा के डेस्टिनेशन में रखेंगे यूजिंग सोर्स। तो यही चीज हमने यहां पे लिखा है कि हम n माइनस वन प्लेट को इंटरमीडिएट से उठा के डेस्टिनेशन में रखेंगे यूजिंग सोर्स, और यही रिकर्सिव टास्क हमें जब तक n की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब तक परफॉर्म करना है। तो लड़स से हम इसी चीज को n इज इक्वल्स टू 3 के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले हमारे पास 3 प्लेट है, हमारा सोर्स 1 है, हमारा डेस्टिनेशन 3 है और हमारा इंटरमीडिएट 2 है। टास्क नंबर 1 के अंदर हमें 2 प्लेट को सोर्स से उठा के इंटरमीडिएट में रखनी है जहां पे इंटरमीडिएट 2 था, और उस टाइम हम डेस्टिनेशन का यूज करें। उसके बाद सेकेंड टास्क के अंदर जो भी हमारा सोर्स है वहां से हम डेस्टिनेशन के अंदर मूव होके, फिर उसके बाद हम फिर से 2 प्लेट को इंटरमीडिएट से उठा के डेस्टिनेशन के अंदर रखेंगे और सोर्स को एज ए इंटरमीडिएट के तौर पे यूज करेंगे। अभी सबसे स्टार्टिंग में n की वैल्यू 3 थी, उसके बाद n की वैल्यू 2 हुई, यानी हमें फिर से रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा। तो उस वक्त हम एक प्लेट को उठा के सोर्स में से इंटरमीडिएट में रखेंगे और डेस्टिनेशन का यूज करेंगे। अभी यहां पे हम ध्यान से देखें तो सेकेंड वाले कॉल के अंदर 2 हमारा डेस्टिनेशन है और 3 हमारा इंटरमीडिएट है। उसके बाद हम सिंपली सोर्स में से उठा के डेस्टिनेशन में प्लेट रखेंगे, यानी कि 1 to 2, एंड उसके बाद हम इंटरमीडिएट से उठा के डेस्टिनेशन के अंदर रखेंगे यूजिंग सोर्स। नेक्स्ट वही चीज हम यहां पे करेंगे जहां पे हमारे पास 2 सोर्स है, 1 हमारा इंटरमीडिएट है और 3 हमारा डेस्टिनेशन है, यानी कि सबसे पहले हम एक प्लेट को उठा के सोर्स में से इंटरमीडिएट में रखेंगे यूजिंग डेस्टिनेशन। उसके बाद हम डायरेक्टली एक प्लेट को उठा के सोर्स में से डेस्टिनेशन के अंदर रखेंगे, एंड उसके बाद फिर से हम एक प्लेट को इंटरमीडिएट से उठा के डेस्टिनेशन के अंदर रखेंगे यूजिंग द सोर्स। अभी यहां पे प्लेट की वैल्यू 1 है, यानी कि हम फिर से हमारे रिकर्सिव कॉल को कॉल करेंगे और उस वक्त हमारे पास प्लेट की वैल्यू 0 होगी, और जब भी प्लेट की वैल्यू 0 होती है तब हमारा रिकर्सिव कॉल कॉल नहीं होता, यानी कि ये टास्क परफॉर्म नहीं होगी। सेम चीज यहां पे भी 2 चीज परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि रिकर्सिव कॉल वहां पे स्टॉप हो जाता है, यहां पे भी रिकर्सिव कॉल स्टॉप हो जाता है और यहां पे भी रिकर्सिव कॉल स्टॉप हो जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में सबसे पहले 1 2 3 होगा,
उसके बाद 1-2-2 मूव होगा, उसके बाद 3-2-2 मूव होगा, उसके बाद 1-2-3 मूव होगा, उसके बाद 2-2-1 मूव होगा, उसके बाद 2-2-3 मूव होगा एंड उसके बाद 1-2-3 मूव होगा। तो यही चीज को हम यहाँ पे इंटरप्रेट करें तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है 1-2-3, सेकेंड स्टेप 1-2-2 एंड थर्ड स्टेप 3-2-2। तो पहले स्टेप के अंदर 1-2-3 तो 1 नंबर के अंदर से 3rd नंबर के अंदर चली गई, उसके बाद 1-2-2 यानी कि ये प्लेट यहां पे चली गई, उसके बाद 3-2-2 यानी कि यहां पे चली गई, उसके बाद हम 1-2-3 मूव करते हैं तो ये यहां पे मूव हो गई, उसके बाद 2-2-1 2-2-3 एंड 1-2-3 यानी कि 2 नंबर के अंदर से 1 नंबर के अंदर चली गई, उसके बाद 2 नंबर के अंदर से 3 नंबर के अंदर चली गई एंड उसके बाद 1 नंबर के अंदर से 3 नंबर के अंदर चली गई। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यही चीज n प्लेट्स के लिए भी इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको टावर ऑफ हैनोई के अंदर इजीली समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।